हम ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मण वाद के खिलाफ हैं, जिसमें अंधविश्वास और इस निचले तबके को जो है धराशायी किया गया है। जो हम देखिए, अब जो लोग हम तो एक शब्द भी कहें तो उठ जाते हैं तूफान, और लोग कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं। हमारा ब्राह्मणों से किसी जाति से कोई द्वेष ना था ना है, बस इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, अंधविश्वास के खिलाफ था, हूं और रहूंगा। देखिए, मैं कल जो है बिजनौर के नगीना से आ रहा था, रास्ते में मेरे को किसी ने एक वीडियो भेजी जो मेरी और शकुंतला प्रजापति की आपस में 2 साल पहले एक बात हुई अंधविश्वास को लेकर के। उस वीडियो को एडिट कर करके कम से कम उसके वो 2-3 मिनट की बात को 10 मिनट तक लंबा खींच रखा है, और उसमें 2022 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, वो जो मैंने वहां पर शब्द बोले वो के यहां पर बहुत तपिश है, वो भी उसमें कहीं से मेरी वीडियो को उठा करके ऐड कर रखा। और ऐसे ही अनाप शनाप तौर पे कहीं से जो है ना बड़ौदा चुनाव में एक हमारा जब बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में मेरे पर वहां के प्रत्याशी ने आरोप लगा दिया कि राजकुमार सैनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैसे देके खड़ा कर रखा। तब मैंने एक बात कही थी कि भाई आप अपनी संपत्ति का अगर मोल बोलेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं एक दिन में तेरी रजिस्ट्री करा सकता हूं, अगर आपको लगता है ये आग उगलनी बंद कर दे। ये जो आप दिन रात आग उगलते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अभी भी दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं लोग, राजकुमार सैनी ने कहीं से पैसे लेकर तब ये बोल रहा है। उस दिन मैंने कहा था कि हमारे पास भी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ आग उगलने वाले लोग होने चाहिए। वहां से वो छोटा सा क्लिप उठाया और उसको बार बार, मतलब वो मैं मंच से बोला उसको तो काट दिया और वो जोड़ दिया जो शकुंतला प्रजापति से मेरी वार्ता हो रही, बार बार उसको उठा के फिर जोड़ते हैं, फिर डॉट आता है, फिर जोड़ते हैं, फिर उसमें गैप आता है। इस प्रकार से वीडियो को न जाने कितने बार एडिट करका, लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा उसे एडिट करका जो वीडियो बनाने वाले को, ऑडियो, हाँ ऑडियो को बनाने वाले को बधाई देनी चाहेगी पड़ेगी। या तो बीजेपी के पास इतने लोग हैं जो माहिर है, 2-3 हजार लोग बिठा रखे हैं, जो हर रोज आप मोदी की मतलब उसमें बनाए हुए देखते हैं और कांग्रेस की तरफ से बनाए हुए देखते हैं। ये इस वक्त जो है जो 21वीं सदी है, इसमें जबान से तो कोई बात हो या ना हो, लेकिन आपने किस संदर्भ में क्या बात कही थी वो तो जाएगी गौण, और वो बात पेश कर देंगे जो बात आपकी किसी के सत्य है। लेकिन अब आप भी पत्रकारिता करते हैं, आप भी बड़े लिखे इंसान हैं, और जो भाई इन वीडियो के ऊपर जो है ना इस वक्त लाइव में हूं, जो आप भाई भी सभी सुन रहे हैं, मैं आप सभी को भी बताना चाहूंगा कि जितनी बातें मैंने बोली सभी ये ओपन मंचों से बोली, जिसके जो चर्चा मैं और शकुंतला प्रजापति कर रहे हैं आपस में, ये ओपन मंचों से कल भी हर रोज मंच से बोलते हैं कि वह हमारा शोषण कितने सालों से अंधविश्वास के खिलाफ हो रहा है। और अंधविश्वास पर कबीर दास ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया फिरा नहीं मन का फेर, तन की माड़ाएं फेंक मन का फेर, भगवान तो इंसान है। उन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा भगवान इंसान है, और वो ही किसी की दुख और दर्द की इमदाद और सेवा कर सकता है। लेकिन मैं महापुरुषों के कहे हुए अंधविश्वास को ही उजागर करता हूं। अपनी तरफ से मैंने ना कभी कुछ कहा, लेकिन एक समाज के कुछ शरारती तत्व
जो इसे समाज के साथ जोड़ करके, जैसे पहले 35 का नारा भी उठाने वाले बीजेपी थे, जबकि मैंने 100% आरक्षण की बात की और आज भी मैं उसी बात को करता हूं कि देश में तब ही देश आगे बढ़ेगा कि जब सबके हक सबको मिलेंगे, कोई नीच ना हो कोई ऊंच ना हो, सबको बराबरी मिले हक की अधिकार की। लेकिन एक समाज के कुछ शरारती तत्व इसको जातीय रंग देने के अंदर लगे हुए। हम मानते हैं कि फूले साहब की भी इसमें एक ऑडियो क्लिप जोड़ी गई है जिसमें गैप्सा आकर के वीडियो के अंदर फिर जोड़ते हैं कि फूले साहब ने भी ब्राह्मणवाद के ऊपर, हम ब्राह्मण जाति के खिलाफ नहीं है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं जिसमें अंधविश्वास और इस निचले तबके को जो है धराशायी किया गया, जो हमारे साथ षड्यंत्र हुए, वो षड्यंत्र इतने घातक हुए कि हमें पढ़ने लिखने से दूर, पढ़ने लिखने से दूर रख करके जो भी लोगों ने पढ़ाया, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उन्होंने पढ़ा दिया वो हमने पढ़ लिया। हम कह रहे पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे नहीं, हम लिखे पढ़े लोग हुए। लेकिन ये बात क्लियर मैं कहना चाहूंगा, लोगों ने इसे जातीय रंग देने के लिए ये वीडियो तोड़ मरोड़ करके एडिट कर करके, पहले तो इसने 2-3 मिनट वाले को लगभग 10-15 मिनट तक खींच के ले गए और उसके पश्चात भी मैं ये बात कहते हुए संकोच नहीं करूंगा कि भाई हमारा ब्राह्मणों से किसी जाति से कोई द्वेष ना था ना है। बस इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, अंधविश्वास के खिलाफ था हूं और रहूंगा। नहीं तो महापुरुषों ने, कबीरदास ने, रविदास ने, गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने और महात्मा ज्योतिबा फूले ने, भीमराव अम्बेडकर ने, पेरियार ई रामास्वामी ने, गाड़गे साहब ने और ललई सिंह यादव ने, न जाने कितने फैसले भी इसके ऊपर कोर्टों से आ चुके हैं कि भाई इस अंधविश्वास से इस देश का सर्वनाश हो गया। और ये मेरी कही हुई बातें नहीं है, ये महापुरुषों की कही हुई बातें हैं, हम तो उनको धरातल पे लोगों को समझा रहे हैं। आपने ऑडियो बंद की सुनती तो हमारी यही है कि उसमें एक शब्द मैं सुन रहा हूं, उसमें एक असूर शब्द जोड़ा जो सोनीपत की धरती में लोगों ने पार्लियामेंट में बड़े स्क्रीन पर सुनाया था। मैंने इतने कहा था कि ये जो लोग हैं, ये जो कारवां लुट रहा है, ये हमारा उन काली भेड़ों की वजह से लुट रहा है जो हमारे में से इन पार्टियों के चमचे कड़छे बने बैठे हैं। इस वजह से 75-80% लोग अपने हकों से महरूम है और जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये कारवां लुटता रहेगा। लेकिन उसमें एक शब्द गाली गलोच का भी जोड़ रखा, न जाने कैसे एडिट करके कहीं, मतलब आपस में बैठे हुए भी हम एक दूसरे से हंसी मजाक में मतलब बात करते हैं और मुंह से कोई आदमी किसी के साथ कोई बात कर रहा हो और वो भी इसमें इनपुट करी कहीं से जोड़ दी। देखिए अब जो लोग, हम तो एक शब्द भी कहें तो उठ जाते हैं तूफान और लोग कत्ल भी करें तो चर्चा तक नहीं, ये हकीकत चली आ रही है पिछले जमाने से। अगर मैं आपके पास सामने चर्चा करूं, जो नवीन जैन है उसने मेरी मां बहन बेटी को भी उसके करैक्टर के ऊपर भी उसने सवाल खड़े किए, उसकी भी मां बहन होगी। इतनी वीडियो अगर आप सुन लें जो लोगों ने मेरे मतलब जो है ना बना के मेरे को डाल ली, मैं एक शब्द किसी के खिलाफ इसलिए नहीं बोल रहा कि जिसकी जैसी मानसिकता, मैंने कोई चीज उनकी ग्रहण नहीं की तो वो उन्हीं के पास है। लेकिन ये बात कन्फर्म है कि उन्होंने क्या क्या बोला। एक सर्वेश पांडे, मेरे पास वीडियो पड़ी अभी, वो 2-2 टके के आदमी बता रहे आज इनको दलितों पिछड़ों को कि आजादी की जंग में ये कहां थे, उसके ऊपर बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। हालांकि मैंने उस वीडियो बोलने वाले को कहा था, मैंने किसी जाति को नहीं कहा, जो वीडियो बना रहा है गलती या सुलह या सफाई में तो उसी की होती है। जैसे मेरे को कहते हुए लोगों ने समाज को टारगेट किया कि अगर समाज इसका बहिष्कार नहीं करता तो फिर राणा वोट मांगने के लिए, अरे हमारे पास तो एक आध टिकट होती है, तुमने मांगनी है 100 जगह, तुम एक बार चैलेंज करके देखो फिर हमारे को, तुम तो जो मर्जी चैलेंज कर दे
तुम्हारे को कोई रोकने वाला नहीं है। लोग गोविंद राम जो आजकल कानून मंत्री है, जब कानून मंत्री को लोग कह रहे हैं कि ये दो दो टके के आदमी एक रुपया किलो वाली गेहूं खाएगा जो है ना हमारी जूती के बराबर भी नहीं, वो उन लोगों के ऊपर कोई लगाम नहीं, मुंह पे पेशाब कर दिया कोई गुलाम नहीं, पीट करके जूती चटवा रहे हैं वही लोग हैं, उन पर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, राजकुमार सैनी की वीडियो ढूंढ रहे होंगे कहीं से, छोटा मोटा क्लिप आपस की बातचीत का, भाई आपस में हमारे साथ जो षड्यंत्र हुए हम उसी की चर्चा कर रहे हैं, और वो भी दो तीन मिनट की जिसको 10 मिनट खींच रहे, बार बार उसको मतलब चला रहे। मैं ये बात कहना चाहूंगा, आप उन पर भी तो बोल लें जो लोग कहीं थे, मतलब तुम ये ढूंढ करके ला रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना भाई, इसको जातीय रंग देना तुमने दे लो, हम तो लूटे पीटे कारवां के लोग हैं। जो लोग हमारे को ज्यादा छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर वो हमारी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं सहायता कर रहे हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम आप ऐसे खुली डिबेट के लिए आपने चैलेंज दिया था, हमने कहा ठीक है भाई बुलाओ 5-10 चैनलों को और ओपन डिबेट हो जाए। लेकिन मेरा मकसद किसी जाति को टारगेट करने का ना था ना है। हमारे देश का विकास और इस देश की संप्रभुता तभी वापस काम आ सकती है जैसे गौतम बुद्ध ने इस देश को सबको समान बराबर करके इस देश का वातावरण अशोक सम्राट के राज्य में 84,000 स्तूप बन करके इस देश का विश्व के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। हमारे बच्चे आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड पढ़ने के बहाने अपनी रोजी रोटी भी कमाने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, वहां धोख मारने के लिए नहीं जा रहे। लोग इतने देवी देवताओं के पास जाते हुए कावड़ा लेके आते हुए लोग मर गए, ना उनकी घोड़ा रक्षा करता, ना वहां जाएगा जब इतनी दुनिया मरी थी वहां पर जो है केदारनाथ में, अब अमरनाथ में मर गए भाई, उनको डायरेक्ट ऊपर भोले ने बुला लिया होगा। ये लोग जो है ना इस अंधविश्वास से इस समाज को डरा डरा के हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा उन भाइयों से जरूर निवेदन है कि भाई हम किसी बात को आप अगर रंग देना ही चाह रहे हैं तो फिर डिबेट के साथ दें। आप जो है ना ने ओछी हरकत है, वैसे तो कोई किसी की पर्सनल बातचीत को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, रिकॉर्ड कर भी ले तो वायरल नहीं कर सकता, ये मतलब जो है ना आईटी का एक किस्म से जो है ना ऑफेंस है। लेकिन जो ये बातें तो बाद में सोचने की हैं कि क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन मेरा निवेदन सिर्फ इतना है जिन लोगों ने ये वीडियो चलाई है इसके ऊपर कहीं की बात कहीं जोड़ करके लोगों ने दिखाने का प्रयास कर रखा है, मेरा इन सब बातों से जिसने भी ये तोड़ मरोड़ एडिट कर करके वीडियो बनाई है उसका भी जो इस सिस्टम के खिलाफ एक षड्यंत्र सामने आ रहा है इसको बाद में सुन देंगे।